दोस्तों, आपने इत्तेफाक के बारे में तो सुना होगा। इत्तेफाक उस चिड़िया का नाम है जो कि अचानक से ही हो जाता है और कहीं भी चला जाता है। क्या आप हमारी इस बात का मतलब नहीं समझे? तो जरा आगे आने वाली वीडियो में कुछ तस्वीरें देखकर समझ ही जाएंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग और कमाल का वीडियो। वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। जब ये बंदा अपने पशुपालन के क्षेत्र में काम कर रहा था तभी इसके ऊपर किसी गाय ने गोबर कर दिया। भाई साहब की जितनी अच्छी स्माइल निकली उतनी बुरी किस्मत भी निकली, लेकिन कैमरामैन की भी तारीफ करनी पड़ेगी। जनाब ने ये मौका तो अपने हाथ से नहीं गंवाने दिया बल्कि तुरंत ही एक बढ़िया सा फनी फोटो खींच लिया। अब ये बंदा अपने गार्डन में आराम कर रहा था, लेकिन पता नहीं तभी आराम करते वक्त क्या हुआ कि फिर महाशय जिस पर लेटे हुए थे वो अचानक से टूट गया और भाई साहब को पिछवाड़ा जोर से नीचे लगा। इसकी कमर तो सच में करकरा ही गई होगी, लेकिन फोटो जिस टाइमिंग पर खींची गई वो अप्रतिम थी। जैसे कि हम इंसान जब भी ज्यादा दारू पी ले और उसके बाद उसे उतारने के लिए एक नींबू चाट ले, या फिर वैसे ही हमें घबराहट हो तो उल्टी आना तो लाजमी सी बात है। लेकिन ये बात भी पक्की है, ऐसा सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं बल्कि जानवरों के और अन्य जीवों के साथ भी होता है। जैसे कि अब आप इस कुत्ते को देख लो, जब इसके मालकिन ने इसके साथ एक फोटो खिंचवाना चाहा तभी उसके कुत्ते ने उसके सामने उल्टी कर दी और मोहतरमा की पूरी फोटो खराब कर डाली। साथ में जब कुत्ते की उल्टी बाहर आई तो मोहतरमा के चेहरे के हाव भाव तो देखिए, क्यों हिला डाला ना। दोस्तों, वेल जब भी पानी से बाहर आती है तभी उनकी एक फोटो खींच लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर भी हुआ। जहाँ ये वेल जब पानी से बाहर निकली तब भी उसकी पूरी फोटो नहीं ले पाई, लेकिन फोटोग्राफर ने भी सोचा चलो फोटो आधी सही लेकिन मेरी मेहनत तो रंग लाई। लेकिन फिर भी इस शख्स ने एक बेहतरीन तस्वीर पर उल्टी कर दी। जहाँ इस जीव की एक फोटो लेना मुश्किल हो जाता है वहीं भाई साहब ने पूरा काम ही खराब कर दिया। स्टंटबाजी करना कितना भारी पड़ जाता है ये तो आपने कई सारी वीडियोस में देखा होगा, जहाँ कुछ लौंडे लौंडागिरी करने के चक्कर में अपना काफी ज्यादा नुकसान करवा बैठते हैं। हमारा मतलब है कुछ लोग बाइक पर स्टंट करते हैं तो कुछ साइकिल पर, जिसका कई बार परिणाम बहुत बुरा निकलता है। अब शायद से ऐसा ही कुछ इस लड़के के खुराफाती दिमाग ने भी सोचा होगा, तभी तो अपने साइकिल से स्टंट करने निकल पड़ा। मगर इसका मुंह टूटने से पहले एक तस्वीर खींची गई जिसे हम मुंह टूटने से पहले का पल भी कह सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इस बच्चे के कितने दांत इस घटना में मुंह से निकले होंगे? कोई अंदाजा है तो कमेंट करके बताइए ना। अब आजकल के बच्चे और बूढ़े दोनों ही इतने ज्यादा चालाक हो चुके हैं कि पूछो ही मत। बच्चे बड़ों वाले काम करने में एक कदम भी पीछे नहीं हटते और कुछ बुजुर्ग बच्चों वाले काम करने पर उतर आए हैं। उदाहरण के तौर पर आप इस बच्चे को देख लो जो कि अंधेरे में लगा हुआ है, बिले एलिश के पोस्टर पर उनके होठों को चाटने लगा, लेकिन बाद में पकड़ा गया। शाबाश बेटा। अब ये बुजुर्ग आदमी भी रास्ते से 2-3 बार गुजरा जिसे देख पहले तो वो चोर लगा, पर ये महाशय भी पास में लगे एक पोस्टर को चूम कर वापस चलाया। लगता है चुम्मा चाटी का आजकल कुछ ज्यादा ही ट्रेंड चल पड़ा है। वाह क्या सीन है। लेकिन जरा ठहर जाइए दोस्तों, सांप के साथ चुम्मी देखना अभी बाकी है। ये भाई साहब को पता नहीं क्या सूझा, ये सांप के इतने ज्यादा करीब चले गए फिर सांप से भी रहा नहीं गया और उसने इस व्यक्ति को जोर से चुम्मा दे डाला। अब शायद ये व्यक्ति भी इस लम्हे को पूरी जीवन भर याद रखेंगे। अब आइसक्रीम खाना किसे पसंद नहीं है, सभी को ये बड़ी लाजवाब लगती है जो कि हर किसी का मन अपनी ठंडक से शांत कर देती है। अब जैसे कि इस तस्वीर को देखकर लग रहा है कि इस पक्षी को भी शायद कुछ ज्यादा ही गर्मी लग रही थी जो कि यहाँ पर ये आइसक्रीम खाने आ गया, और ऊपर से इस बंदे ने उसी वक्त ये खूबसूरत तस्वीर खींच ली जो कि सोशल मीडिया पर काफी धूम मचा रही है। जो शराब पीते हैं वो बंदे शराब की बोतल को अपने सीने से लगा कर रखते हैं और फिर चाहे वो खुद को कुछ भी हो जाए लेकिन बोतल को ऐसे सुरक्षित रखते हैं जैसे वो जेड सिक्योरिटी वाले हों। पर ये हमारे हिसाब से इन भाई साहब की किस्मत कह लीजिए या फिर मूर्खता कह लीजिए, भाई से अपनी कीमती बोतल, जान से प्यारी बोतल आज संभाली नहीं गई और वो नीचे गिरकर टूट ही गई होगी। लेकिन इसी बीच इस दर्दनाक लम्हे को याद रखने के लिए और जले पर नमक छिड़कने के लिए ये तस्वीर खींच ली गई, जिसके बाद इस नंगे भाई साहब के दोस्तों इसे बड़ा ही चिढ़ा रहे होंगे। गजब बेइज्जती है। लेकिन साथियों, ये दुख यहीं पर खत्म नहीं हुआ, पिक्चर तो अभी बाकी है। और ये आधी फिल्म तब शुरू हुई जब ये महाशय खुद के लिए इतने बड़े बड़े बियर के गिलास लेकर आ गए।
और ऊपर से इनकी आंखें बंद थी, तो ये काम तो होना ही था ना। सभी के सभी ग्लास ट्रे में से उसी वक्त नीचे गिर गए होंगे, तभी फौरन महाशय का सभी के सामने पोपट हो गया होगा। अब मेरे प्यारे साथियों, हमें इस पर हंसना तो नहीं चाहिए, मगर फिर भी ये बच्चे और ये दोनों पति पत्नी न जाने इस ब्रिज के साथ क्या ही पंगा ले रहे थे और उसी वक्त ये धड़ल्ले से नीचे गिर पड़े। और इस दौरान इत्तेफाक से एक फोटो खींची गई। खैर, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन क्या इन्हें पार करते वक्त ये नहीं पता था कि हमसे ना हो पाएगा। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड दोनों आपस में जब भी मिलते हैं तो वो बहुत ही प्यारे लम्हे एक दूसरे के साथ बिताते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये दोनों भी ऐसा कर रहे होंगे और इसी बीच खाते पीते वक्त काफी इंजॉय भी कर रहे होंगे। लेकिन तभी यहाँ पर लेटे महाशय से गड़बड़ी हुई कि ये कोल्ड ड्रिंक पीने के वक्त जनाब को खबर ही नहीं हुई कि पूरी की पूरी कोल्ड ड्रिंक तो उसी की गर्लफ्रेंड पर गिर जाएगी। लेकिन जनाब फिर भी ऐसे ही उसे फेंकते गए और नतीजा इसके बाद निकला होगा। अरे तो एल लग गए। दोस्तों, आपने ये वाला मीम तो सुना ही होगा। पीछे देखो, पीछे। और अब शायद इस बच्चे की आवाज सुनना इस छोटे बच्चे के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि इस बच्चे को तो मालूम ही नहीं कि उसके पीछे उसकी बॉल को ही उसका कुत्ता खाने की फिराक में है, और क्या पता इस बच्चे के हाथ को ही वो पूरा न निगल जाए। अब हम तो क्या ही कह सकते हैं, इसके आगे का वीडियो या फोटो तो हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन ये ऐसे ही खींची गई फोटो तो बड़ी लाजवाब आई है। स्किपिंग रॉप या यूं कहें जंपिंग रॉप से कूदना हर बच्चा बचपन से ही चाहता है। अब नादान बच्चे को इसके फायदे और इसे गलत तरीके से करने से नुकसान के बारे में तो कुछ ही मालूम नहीं होता, लेकिन फिर भी एक बच्चा इसके पीछे इसे सीखने के लिए काफी मेहनत करता है, जैसे कि बच्ची कर रही है, लेकिन बेचारी बीच में ही पूरी तरह से धराशायी हो जाती है। अब इसके बाद इसकी मम्मी कह रही होगी, चलो बेटा कोई बात नहीं, ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। कई बार स्टेडियम में खिलाड़ी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते और कभी फैंस अपना पारा खूब बढ़ते हैं, और ऐसा आज तक कई केसों में देखने को मिला है कि फैंस ने सभी हदें पार कर दी। अब जैसा कि इससे बहुत पुरानी एक तस्वीर में देखा गया, जहां पर कुछ फैंस पास ही में खड़े खिलाड़ी के ऊपर ड्रिंक गिरा देते हैं, लेकिन बढ़िया बात ये रही कि वो उसी वक्त कैमरे में कैद होकर और उनकी ये बेहुदा हरकत सबने देख डाली। दोस्तों, आपने भी अक्सर देखा होगा हमारे साथ किसी दिन में कभी न कभी एक ऐसी घटना हो ही जाती है जिसके बाद हमारा मन ऐसे करता है कि मुझे अब उल्टी कभी भी आ सकती है। हालांकि ये कुछ देर बाद ठीक हो जाता है, लेकिन हमें तो सबसे ज्यादा तरस इस व्यक्ति पर आ रहा है जिस बेचारे की जीभ खेलते खेलते इतनी गलत जगह पर लग गई कि इसके बाद तो ये शख्स दिन भर उल्टियां ही मारता रहेगा और उसका कुछ दिन के लिए जीभ का स्वाद ही बदल जाएगा। आपको फाइनेंस लिस्ट के इस वीडियो में सबसे अलग चीज क्या लगी नीचे कॉमेंट में बताना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने विचार नीचे कॉमेंट में जरूर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। आपको यहाँ पर अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे चैनल की कुछ और वीडियोस दिख रही होंगी, आप उनमें से किसी पर भी एक बार दबाकर उस वीडियो का लुत्फ उठा सकते हैं। धन्यवाद।